बैल नमस्कार, राम राम। आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में जिसका नाम है स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण। और आज हम जिस महान शख्सियत के बारे में आपको बताने जा रहे हैं, जिस महान शख्सियत के बारे में आपको हम मिलवाएंगे, वो ऐसे ऐसे जो कलाकार होते हैं वो बहुत कम होते हैं पूरे देश में, कम संख्या में ऐसे कलाकार हैं। तो ऐसे महान व्यक्तित्व से मिलने की कोशिश करेंगे हम और उनसे जानेंगे उनके पूरे जीवन के बारे में और उनके परिवार के जीवन के बारे में। उन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाया है। जी हाँ, उन्होंने अपनी कमी को अपनी ताकत बनाया है और उस कमी जिससे कि आप सभी को इंस्पिरेशन भी मिलेगा। आइए मिलते हैं ऐसे महान व्यक्तित्व से, चलते हैं निमाड़ क्षेत्र के बड़वानी जिले के ग्राम तलुन में और मिलते हैं उस महान कलाकार से। दीपक तैयार हो चुका है और आज से हम आपके लिए लेकर के आए हैं बहुत ही बहुत ही बहुत ही महत्वपूर्ण चीज, बहुत ही महत्वपूर्ण एक्टिविटी। ये देखिए कि हम किस प्रकार से, आप लोग वीडियो देखते हैं हमारे, यहाँ पर हम आए हैं ठाकुर फैमिली के घर पे, बाबू सिंह ठाकुर जी की फैमिली, जो कि हमारा चैनल पे जो वीडियो डाला है स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण का, मठ स्कूल का, मठ का इतिहास देखा जा रहा है। इस प्रकार से ठाकुर फैमिली के द्वारा प्रत्येक वीडियो को एंजॉय किया जा रहा है, देखा जाता है। अब आपको बताना ये है कि आप हमारे वीडियो को किस प्रकार से एंजॉय करते हैं, अपने फ्रेंड्स के साथ एंजॉय करते हैं, अपने फैमिली के साथ एंजॉय करते हैं, टीवी पर एंजॉय करते हैं या अपने मोबाइल पर एंजॉय करते हैं, कैसे आप हमारे यूट्यूब चैनल के वीडियोज को एंजॉय करते हैं और देखते हैं, आप हमें बताइए। और हमारे चैनल पर जो नंबर दिए गए उन्हें, उन नंबर पर आपको अपनी फोटो खींच करके भेजना है कि आप हमारे वीडियोज को कैसे एंजॉय करते हैं। जो सबसे बेस्ट फोटोस होगी उन्हें उनके नाम के साथ हम दिखाएंगे हमारे अगले वीडियो में। तो रेडी रहें अगले वीडियो में। यदि आप चाहते हैं कि आप भी आना चाहते हैं आपके पूरे परिवार के साथ या आप जैसे भी वीडियो एंजॉय करते हैं, तो जल्दी से इस फोटोग्राफ से हमें हमारे व्हाट्सएप कीजिए और देखते रहिए स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण। अब चलते हैं हमारे अगले वीडियो की ओर। पापा को पाया तो रब को पाया है, पापा की छाया में दिल का चैन पाया है, पापा की छाया में दिल का चैन पाया है। पहल सो हम आ चुके हैं निमाड़ के बड़वानी जिले के एक छोटे से गांव तलुन में। बड़वानी से लगभग 3 से 4 किलोमीटर है यह गांव और वहीं पर मैं खड़ा हूं जहां पर गेंदालाल जी रहते हैं। और आइए हम चलते हैं उनके घर के अंदर और देखते हैं कि वो अपना जीवन कैसे व्यतीत करते हैं और जानेंगे उनसे उनके जीवन और उनके परिवार के जीवन से जुड़ी महत्वपूर्ण बातों को। आइए मिलते हैं। भैया दरवाज़ा खोलो। गेंदालाल जी। हाँ गेंदालाल जी। मैं यहाँ हूँ धीरज भैया। कहाँ? यहाँ भी खड़ा हूँ। अरे क्या बात है। राम राम। राम राम। और स्वागत है आपके, मतलब मारो स्वागत करोगे कि नहीं? आपका स्वागत है, वेलकम। आइए हम भैया, आपका स्वागत है। क्या बात है, थैंक यू सो मच। वेल सो गेंदालाल जी, आपका स्वागत है हमारे इस चैनल में। दर्शक आपको देख रहे हैं, पूरी दुनिया आपको देख रही है हमारे चैनल में स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण में। राम राम। आपका चैनल का मैं स्वागत करता हूँ, वेलकम करता हूँ और आपको भी। और मैं दर्शकों को भी बता दूँ कि हम दुनिया जानना चाहती है कि निमाड़ के बड़वानी के तलुन ग्राम में रहने वाले ये व्यक्ति गेंदालाल जी की उम्र क्या है, क्योंकि इनके भी बैठे हैं और इनकी हाइट काफ़ी छोटी है। हम इनको भी खड़ा करके बताएंगे कि आखिर इनकी हाइट कितनी है। लेकिन इससे पहले कि दुनिया जानना चाहती है गेंदालाल जी कि आपकी हाइट तो अपन बाद में बात करेंगे, आपकी उम्र क्या है? मेरी 40 साल की उम्र है। 40 साल की उम्र? हाँ। सच बोल रहे हैं आप, दुनिया देख रही है? हाँ सच बोल रहा हूँ। 40 साल मतलब 40? हाँ 40। ओ माय गॉड, 40 साल की उम्र है, मतलब आपके लगे। और मैं आपको बताऊँ तो कैमरा मैन से बोलूँगा, देखिए इनकी छोटी छोटी मूछें जो हैं बड़ी अट्रैक्शन का काम करती है, मतलब क्या अल्टीमेट ऐसा लगता नहीं। मैं आपको बता दूँ कि आपको देख करके जितने भी दर्शक हैं वो चौंक जाएंगे कि मतलब आपकी उम्र 40 वर्ष की है और ये मेरे ख्याल से दुनिया को पहली बार पता भी चलेगा। हाँ गेंदालाल जी, आपका जन्म
कहाँ हुआ है एग्जैक्टली? मेरा ग्राम तलुन में हुआ है। अच्छा, यहाँ भी घर पे हुआ था। इसी घर पे आपका बचपन बिता? जी जी, मेरा इधर ही बिता। अच्छा अच्छा, आपके परिवार में कितने सदस्य हैं? आपके यदि मैं बात करूं कि आपके भाई बहन और आपके माता पिताजी मिलाकर? सात है ऐसे, तो पापा है नहीं अभी। अच्छा, और दो सिस्टरों की शादी कर दी, एक सिस्टर छोटी है, बोनेकद में हम तीन हैं अभी। और जिनकी हाइट छोटी है अभी, हम बोने घर में दो है, भाई और बहन। अच्छा अच्छा, आपके एक बहन भी है जिनकी हाइट छोटी है, आप बता। कम है, आपके बराबर ही हो? हाँ बराबर है। मैं आपके जो फैमिली मेम्बर्स है, परिवार के सदस्य हैं जो जिनके हाइट छोटी है, जो आपके बराबर हैं, उन सभी से मिलना चाहूँगा। वो अभी वो घर में है, मिलना चाहते हो तो मिल सकते हो आप। यहीं पर है? यहीं पे है, गांव में घूमना पड़ेगा। अच्छा, गांव में ही है। हाँ, तो आप मुझे गांव में भ्रमण करवाएंगे? जी जी, करवाएंगे ना आपको वहाँ में। माता जी से मिलने की कोशिश करते हैं, और इनकी जो बहन है और ख़ास करके इनका एक छोटा सा नन्हा सा बालक है। आखिर जब गेंदालाल जी की हाइट इतनी है, इतनी छोटी है हाइट है, तो इनके जो बालक होगा उनकी कितनी हाइट होगी उससे भी हम देखेंगे। और मैंने सुना है कि वो काफ़ी टैलेंटेड कलाकार व्यक्ति है, तो आइए चलते हैं। सो हम आ चुके हैं गेंदालाल जी के खेत में, जहाँ पर हम मिलवाएंगे आपको उनकी मम्मी से, उनके परिवार के और भी सदस्य से, जो कि उनकी छोटी सिस्टर वो बता रहे हैं, उनकी छोटी सिस्टर से भी मिलेंगे हम। और उससे पहले हम मिलेंगे उनके एक नन्हे से छोटे से प्यारे से लड्डू से। जी हाँ, उनके नन्हे से छोटे से बालक से। तो आइए मिलवाते हैं उस बाहुबली, बाहुबली है ना, उस बाहुबली बालक से। आइए। कौन है वो, कौन है वो, कहाँ से वो? आपने देखा, सीधे बैठो, ऐसे किसे बैठो, क्या बात है, क्या नाम है बेटा आपका? विश्वराज धनगर। विश्वराज धनगर नाम है इनका, और गेंदालाल जी के सुपुत्र हैं, है ना? हाँ। है ना, कितनी उम्र है बेटा आपकी? 12 ईयर। कौन सी क्लास में हो? सिक्स्थ क्लास में। क्या करते हैं आप पढ़ाई के अलावा? डांस, क्रिकेट, कबड्डी। ओ माय गॉड, डांस, क्रिकेट, कबड्डी। विराट कोहली को पहचानते हो? यस। अनुष्का शर्मा को? Yes. कौन है अनुष्का शर्मा? विराट कोहली की वाइफ। तो आपको बुलाया था उन्होंने शादी में? नहीं बुलाया होगा यार। नहीं। वेल से बहुत अच्छा टैलेंटेड बालक है यहाँ पर। और बेटा आपको डांस ही पसंद है? हाँ। तो आप डांस वगैरह जो करते हैं, तो आपने कहाँ से सीखा है? और पहले से ही मेरे को डांस का शौक था, मैं करता था, और धीरे धीरे मेरे को अच्छा आता था करते। धीरे धीरे फिर आपको अच्छा आने लग गया। ये जो दोनों मेरे लेफ्ट साइड में जो है वो गेंदालाल जी हैं, और राइट साइड में है वो उनका बालक है विश्वराज। अभी हम चेक करते हैं कि गेंदालाल जी की एक्चुअल हाइट कितनी है। आइए गेंदालाल जी, थोड़ा सा खड़े हो जाइए। क्या बात है, बहुत जल्दी खड़े हो जाते हैं आप। एक गेंदालाल जी की यदि मैं खड़ा करूँ, बेटा आप भी खड़े हो जाओ, थोड़ा सा हाइट के यदि मैं बात करूँ, थोड़ा सा ज़मीन पे थोड़ा सा आ जाते हैं, थोड़ा सा ऊंचा है उधर। ये देखिए हमें, थोड़ा सा ये कमर से थोड़ा इतना आ रहा है गेंदालाल जी, है ना? आप तो लगभग कितनी हाइट है, आपने कभी नापने की कोशिश की? हाँ, आपने करी ना। कितनी हाइट होगी? 3 फीट 11 इंच है अभी। 3 फीट की 4 फीट? 4 फीट है अभी लगभग। तो लगभग 4 फीट है? हाँ, लगभग 4 फीट। लगभग 4 फीट, 4 फीट है लगभग। अच्छा, और बालक की हाइट कितनी होगी? 3 फीट तो 3 ही होगी लग रहा है। 3 से के समथिंग होगी। हाँ, 3 के ऊपर नीचे होगा। सो अब विश्वराज जो हैं वो पापा के कंधे पर खड़े होकर के हमें बताएंगे कि दोनों बाप बेटे मिलकर के कितने ऊंचे लगते हैं, है ना? ठीक है, बताओगे कि नहीं? यस। चलिए स्टार्ट, कम ऑन कम ऑन। मैं चढ़ा देता हूँ थोड़ा आपको। जय सियाराम। ये देखिए देखिए देखिए, मतलब आ हा, क्या लग रहे हो, क्या लग रहे हो, ये
एक बार जी दर्शक देख रहे हो अच्छा लग रहा है दृश्य, तो जोरदार तालियां हो जाए दोनों मिलकर के। लगभग मेरे ख्याल से थोड़ा सा अच्छे से बहुत अच्छी खासी हाइट है, इतनी भी कम नहीं जितना मतलब हम लोग सोचते हैं। क्या बात है, ऑल टीम कम ऑन। तो ये है गेंदालाल जी का परिवार, क्यों गए गेंदालाल जी? जी जी मेरा परिवार। और अभी अपन जहाँ खड़े हैं वो क्या है, ये आपका मतलब आपका ही खेत है? ये मेरा खुद का खेत है। ये आपका खुद का खेत? जी जी। आपका ये पूरा परिवार यहाँ पर है या सब सदस्य हैं यहाँ पर? हाँ यही भी मेरा पूरा सदस्य। ये सभी आप टोटल पूरे परिवार में पांच ही लोग हैं? जी जी नहीं, एक मिसेज है ना, छह। एक मिसेज है, छह। और आपके ब्रदर सिस्टर आपने बताए थे, वो ब्रदर भी आ गए ना? एक ब्रदर। आपके टोटल कितने भाई हैं? पांच भाई बहन है। पांच भाई बहन है ना, तो अभी तो एक एक दो आप हो गए। हाँ, दो सिस्टरों की शादी कर दी। दो सिस्टरों की शादी कर दी। जी जी। और एक और भैया है? नहीं, यही वाला भैया, एक ही भैया है। हाँ, आप दो भाई हैं और तीन बहन हैं। तीन मेल टोटल मिला के पांच हैं आप। ओके। और ये जो आपके पास में जो दीदी खड़े हैं, इनका नाम क्या है, ये कौन है? ये राजकुमारी, ये छोटी सिस्टर है सबसे। अच्छा अच्छा, जी जी। तो दीदी आपको प्रणाम, राम राम, सबको राम राम बोल दो। राम राम। आपकी आवाज बड़ी अच्छी है। चलिए, आप कहाँ तक पढ़े बेटा? नाइन्थ तक। आप नाइन्थ तक पढ़े हैं, वेरी गुड। और गेंदालाल जी से आप लगभग मेरे ख्याल से 15-20 साल छोटे होंगे। हाँ, ये जो दीदी हैं आपके। हाँ, छोटे। क्या बात है। तो आप आपका शो ससुराल गई ना? हाँ, वास्तव बताया नहीं, अभी आऊँगा आपका पास भी आऊँगा, आपसे बहुत सारी जानकारी। और आपका शुभ नाम कहिए, शुभ नाम क्या आपका, नाम क्या? राजकुमारी। राजकुमारी आपका नाम है। मतलब आपकी हॉबी पसंद क्या है, आपको सबसे ज़्यादा पसंद, आप क्या करना पसंद करते? खेत में काम करना पसंद है, गाना गाना पसंद है, डांस करना पसंद है, क्या पसंद है आपको? काम करना। काम करना, काम कर लेते हैं आप? नहीं, खेती में नहीं। फिर घर पे? हाँ। आना वगैरह गाते हैं आप? छोटा सा कोई थोड़ा सा गाना गुनगुना दो ना। छोटा सा, छोटा सा। नहीं आता। वेल, तो ये जो है राजकुमारी जी है ना? जी जी। आप तो काफी शर्मा रही हैं। और आप है बड़े भैया, आपका शुभ नाम क्या है? लखनऊ से लखन भाई। लखन भैया है। और दादी जी हैं, दादी जी से आपका स्वागत है। मुझे ये बताइए, ये जो बालिका है, बालिका कैसा लगता है आपको जब, क्योंकि नॉर्मली जो लोग होता है ना, जैसे कि हमारी फैमिली में होगा या आपके गांव में होगा जो भी, तो उनके जो बच्चे होते हैं ना, वो अच्छे, उनका हाइट अच्छी होती है। आपको कभी ऐसा लगा कि इनकी हाइट बढ़ना चाहिए थी या नहीं, ऐसा कुछ? अभी लाता पण कराणा है। अच्छा, पण अब ये भगवान की मर्जी छे। हाँ, आपको अच्छा तो लगता, अच्छा लगता है कि नहीं लगता है? सब अच्छे छे। अब वो कहे कि बालक अपन बुरो नहीं लगा। बुरो नहीं लगा, सही बात है। पेट को अंडो है कसाई भी, अपन बुरो थोड़े कमाई ना कसाई भी, अपन इनका खिलाना पड़ेगा। सही बात है। आपको कब ऐसा लगा कि गेंदालाल जी की हाइट, क्योंकि सबसे बड़े वही हैं? हाँ, तो इंदौर तक बताया। हाँ, कब ऐसा लगा कि इनकी हाइट बढ़ी नहीं रही है? हाँ। कब, कौन सी उम्र के थे जब ये पता चला आपको कि अब ये हाइट बढ़ नहीं रही? अब सरासरी वो तो नासन नहीं बढ़ता थी, बढ़ता ही नहीं था। तो आपने क्या क्या कुछ उपाय करे, इंदौर तक बताया, क्या क्या तक बताया, अभी सब ये भी कुछ भी करे, पर अब नहीं कोशिश उच भी कहीं करा। अच्छा, गेंदालाल जी ने बताया कि वो कक्षा 10वीं तक पढ़े हैं। हाँ। है ना, वो मुझे बताया। हाँ। अब मुझे आप ये बताइए कि गेंदालाल जी की, अब चूंकि जब आप बच्चे किसी व्यक्ति की, कोई जवान लेडी लड़का है, उसकी हाइट काफ़ी छोटी है, छोटी हाइट है, तो कई बार समस्या आती है कि लड़कियां नहीं मिल रही है, शादी नहीं हो रही है, तो ऐसी, इसके लिए आपने क्या किया, इनके उनके लिए कहाँ आपने प्रयास किए? यहाँ कहाँ प्रयास करी, यहाँ ये काम नर्मदा काट ही हुई होती। क्या सम्मेलन हुआ? अच्छा। तो यहाँ अच्छे थे, एक लड़की है कि साढ़े हेली भी ऐसी। अच्छा, वो जो। हाँ। अच्छा, अच्छा, तो हमारी बुढ़ी छे। हाँ। सास। हाँ। तो उन्होंने देखी। अच्छा। तो कही कि हमारी बहन भी छे, कही की। फिर हमने चर्चा करी, चर्चा करी, फिर धर्मपुरी की आई, धर्मपुरी की आई, फिर 12 महीना तक वो हमने ढूंढा डांडी करी ना, फिर एक शादी करी। अच्छा, गेंदालाल जी की। हाँ। फिर आपने विवाह कर दिया। वेल, सो गेंदालाल जी, आपका कौन सी क्लास तक पढ़े, थोड़ा सा बताएं। मैं कक्षा 10वीं तक पढ़ा हूँ और गांव में पढ़ा हूँ कक्षा 8वीं तक, और बड़वानी में 9th और 10th पढ़ा हूँ। बड़वानी में कौन सी स्कूल में आप पढ़े थे कक्षा 9th 10th? क्रमांक दो में आप 9वीं और 10वीं आपने पढ़ा। उसके बाद आपने पढ़ाई वगैरह करने की कोशिश नहीं की? उसके बाद मैंने सोचा बच्चे लोग मजे ले रहे थे, मैंने छोड़ दिया था। बच्चे आपके मजे लेते थे? जी जी। कैसे, मतलब थोड़ा बताएं। छोटी हाइट है और इसलिए परेशान करते थे। है? अब मैं अपनी
मैं अपनी स्थिति को मैं जानता था कि इसलिए मतलब छोटी हाइट के मतलब नुकसान जो है मेरे ख्याल से लोगों की जो मानसिकता है वो इतनी ख़राब थी उस समय कि आपको देख करके मतलब बच्चे और बड़े भी आपको कहीं ना कहीं मेरे ख्याल से बोलते होंगे। नहीं बड़े तो कुछ भी नहीं बोलते लेकिन आपके साथ के जो बच्चे जो मेरे साथ बच्चे थे छोटे हाइट के थे, बाकी कोई मुझे कोई उसका दुख नहीं था, कोई ऐसा वो भी नहीं था कि मैंने सोचा ठीक है ये तो भगवान की देन है। सही बात, ये कुदरत का करिश्मा है। आज वो जब बच्चे जो आपके साथ में पढ़ते थे वो जब बड़े हो गए होंगे अभी आपके बराबर हो गए होंगे तो आज भी आपसे मिलते होंगे? हाँ मिलते हैं ना, अभी तो बढ़िया दोस्ती है इनसे। अभी कोई कुछ इस प्रकार से नहीं, नहीं अभी कुछ भी नहीं, बहुत बढ़िया है। मतलब आपने आप ये कहना चाह रहे हैं कि आपने पढ़ाई केवल इसलिए छोड़ दी क्योंकि आपको मतलब बच्चे आपके साथ वाले मतलब आपको बोलते थे यार इतना छोटा है, मजे लेते थे? मजे लेते। मैं उन लोगों से और सभी लोगों से दर्शकों से जितने भी लोग देख रहे हैं मैं निवेदन करना चाहूँगा आपसे कि ये ईश्वर की देन होती है कि आपकी हाइट कितनी होना चाहिए या आपको कितना ऐश्वर्य और ये सारी चीज़ें मिलना चाहिए, कितना शोहरत मिलना चाहिए, सारी चीज़ें आपका शरीर कैसा होना चाहिए सब भगवान की देन होती है, प्रकृति की देन होती है। और हमें इस प्रकार से किसी को किसी की हाइट को लेकर के इस प्रकार से आपत्तिजनक टिप्पणियाँ या इस प्रकार से शब्दों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए क्योंकि दिल से गेंदालाल जी और उनका परिवार, उनका ये जो छोटा सा बालक है नन्हा सा, ये बड़े बहुत अच्छे से फ्रेंकली हैं। तो गेंदालाल जी आइए, लोग जानना चाहते हैं कि आप भगवान में विश्वास रखते हैं? हाँ भगवान में विश्वास रखते हैं। तो भगवान में आप विश्वास रखते हैं, कौन से भगवान को आप ज़्यादा मानते हैं? मैं तो करीब सभी भगवानों को, अधिकतर आप यदि कहा जाए कि यदि कोई बहुत भयंकर मुसीबत आ गई हो भगवान, जैसे कि मैं रहता हूँ तो मैं कभी कहता हूँ बजरंग बली मेरे साथ है, हनुमान जी मेरे साथ है, तो वैसे आप ऐसे? ऐसे मेरे साथ भी बजरंग बली है, मैं भी जब संकट पे आता हूँ तो बजरंग बली का नाम लेता हूँ। संकट मोचन है बजरंग बली जी। गेंदालाल जी आप भगवान जी को मानते हैं, ये आपने कहा है बहुत अच्छी बात भी, भगवान जी को मानना भी चाहिए। मैंने सुना है कि आप एक कई वर्षों में मैंने आपको एक फ़ोटो देखा था कि आपका एक दाढ़ी में और काले काले कपड़े आप पहने हैं तो और काली धोती भी मेरे ख्याल से, आपके हाथ में कुछ यंत्र क्या बोल सकते हैं उसको, भाला वगैरह इस प्रकार से रहता है, तो ये क्या है इसके बारे में थोड़ा बताएं? ये मैं भैरवनाथ का केदार निभाता था माँ संतोषी गरबा मंडल में। अच्छा। और मैं बजरंग बली का केदार निभाता था और श्री गणेश जी का केदार निभाता था। मतलब आपको ये किरदार कितने सालों से आप कर रहे हैं? मैं करीब 10 साल से कर रहा हूँ। 10 साल से आप ये सारे किरदार? जी जी कर रहा हूँ। कर रहे हैं मतलब आज के की तारीख में आपकी उम्र है 40 साल, तो 30 साल की उम्र से आपने ये प्रोग्राम चालू कर दिए थे। जब 30 साल की उम्र में आपने काम चालू किया होगा तब लोग आपको ज़्यादा जानने लगे होंगे? हाँ बहुत जानने लगे और अच्छे पहचानने लग गए कि बोलो यार अच्छा व्यक्ति है, अच्छा किरदार निभा रहा, अच्छी अपनी कला ही दिखा रहा है। गेंदालाल जी आप इतने अच्छे कलाकार बचपन से हैं, है ना? आप हमने देखा है कि टीवी पर कई ऐसे प्रोग्राम्स होते हैं जिसमें छोटे छोटे कलाकार जो होते हैं छोटी हाइट वाले जिनकी मैं बात करूँ वो काफ़ी मतलब बहुत अच्छे लोग उनको पसंद करते हैं टीवी पर, है ना? आपने कभी टीवी में जाने का सोचा नहीं? टीवी में जाने का सोचा था, बाकी जब आए थे, जब मैं ये मेरे बालक की हाइट का था 10 साल का, जब बम्बई के लोग आए थे मेरे माता पिता ने बोले मेरा एक ही बालक है उनको कहाँ भेजूँगा, यहीं इसको पढ़ा लिखा के यहीं रखूँगा। और मैं ऐसी धारावाहिक देखता था जैसे बालवीर हुई या गुटर हुई। अभी भी देखते हो? अभी भी देखता हूँ। अरे वाह, उनको देख के मेरे को बहुत अच्छा लगता है और बालक को भी सिखाता हूँ कि अपन को भी ऐसे करके आगे पर्दे पे जाना है। अच्छा अच्छा, मतलब आप ये आप भले ही वहाँ तक नहीं पहुँच पाए, मेरा बालक को पहुँचाना चाहता हूँ। अभी आपको आपका विचार है, आपकी सोच है कि आपको बालक को, आपका सपना है? सपना है मेरा कि ये बालक पूछे बम्बई में। तो मैं ये आप सभी को दर्शकों को भी बता दूं, यदि कोई डायरेक्टर देख रहे हो इस नन्हे से बालक को, ये भी छोटी सी एक्टिंग करके भी आप इसने बताई आप सभी को इसकी जो एंट्री थी, और ऐसे भी कई बहुत अच्छी कलाएँ इस बालक में है। तो यदि आप में यदि किसी कलाकार को पहचान दिलाने की सोच रखी है तो आप प्लीज़ इस बालक से संपर्क करें ताकि एक टैलेंटेड कलाकार को मौका मिले पर्दे पर आने का। आपकी हॉबी आपने कहा डांस है, आपको हाँ। गाना भी गाते आता है? नहीं गाना, थोड़ा बहुत गाना गुनगुना दो यार। कौन सा? कोई सा भी गाना। मस्ती मस्ती में प्यार हुई जी वो मारी नूरी नकरा तारा हो मा को
गोरी गोरी प्यारों ने शुरुआत करी वो हमारा। क्या बात है, बहुत ही शानदार जोरदार तालियों से इस बालक का अभिनंदन करें, स्वागत करें। गेंदालाल जी, कभी आपने पोलियो की दवाई पी है? पोलियो के टाइम, मेरे टाइम में पोलियो की दवाई नहीं है, जिन्हें पीता मैं पोलियो की दवा। अच्छा, नहीं जैसे आपके टाइम में तो नहीं थी, लेकिन आपकी जो हाइट है उसके हिसाब से कभी आपने सोचा कि यार बच्चों को पिला, मैं भी पियाता हूँ? नहीं, ऐसा कहीं नहीं सोचा था, और पिलाते भी नहीं थे ना, बोले 5 वर्ष से ज़्यादा बच्चों को ऊपर नहीं बोले पिलाते। नहीं, जैसे क्या होता है ना कि अब आपकी हाइट छोटी है तो आपकी उम्र का तो पता चलता ही नहीं है, तो कई बार ऐसा कभी हुआ आपके साथ कि नर्स आपके घर पर आई हो, पोलियो पर की दवा पिलाने वाले जो भी लोग होते हैं वो आपके पास आए और आपको बोला कि चल बेटा चलो आ जाओ, तो ऐसा करके कभी हुआ? ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। नहीं हुआ होगा, हुआ हो, बाकी उन्होंने सोचा कि यार भाई पिले ही नहीं हो, लेकिन आपको समझ तो लिया होगा। हाँ, समझ लिया था कि इसके हाइट कम है, क्या बच्चे दवा पोलियो पिला। क्या बात है, मतलब हाइट के कहने के बहुत सारे फायदे भी होते हैं। गेंदालाल जी, 10वीं जब आपने की थी तो उसके बाद तो बच्चों की वजह से, साथ ही फ्रेंड सर्कल की वजह से, उनके तानों की वजह से, उनके मजाक की वजह से आपने जो है स्कूल छोड़ दिया। उसके बाद आपने कभी पढ़ने की सोची या? मैं सोचता था पढ़ने के, बाकी क्या है मतलब सोचा कि बहुत नौकरी में भी ट्राई नहीं मिलता, जॉब मिलने का फिर प्रयास नहीं होते उस टाइम, फिर क्या है बहुत कंपटीशन होगा तो इसलिए। मतलब आपने आगे पढ़ाई फिर की ही नहीं, नहीं तो फिर 10वीं के बाद आपने बाद में किया क्या? मैंने जॉब कर लिया ना। नहीं, जॉब तो 10वीं के बाद तो तत्काल 10वीं के बाद से जॉब कर लिया, 10वीं कक्षा 8वीं के बाद ही कर लिया था जॉब। कक्षा नहीं, नहीं जैसे कि 10वीं में आपकी उम्र जो होगी वो कम से कम 10 और 5 15 साल होगी, तो 15 साल में तो कोई नौकरी देता नहीं है, तो आप कितने कर लेती क्या? नहीं, मैंने जैसे 8वीं के बाद जो है ना उसके बाद प्राइवेट पढ़ाई करी थी 10वीं की। हाँ, अच्छा, फिर उसके बाद मैंने जॉब जैसे प्राइवेट दुकानों में काम करा था। अच्छा अच्छा। हाँ, सोनी जी के वहाँ काम करा था, फिर किराना दुकान। उस समय क्या उम्र होगी आपकी? मेरी करीब होगी उस टाइम में 25-26 के आसपास, 26 के बाद ही 28 के आसपास। 26 से 28 साल में आपने काम करना चालू किया था। उसके पहले आपने कुछ काम नहीं किया? नहीं, कुछ भी नहीं करा, कहीं पर जॉब वगैरह कुछ नहीं किया था। उस समय आपकी शादी भी शायद हो गई होगी? हाँ, 2006 में हो गई थी शादी। 2006 में जब आपकी शादी के बाद ही मैंने सोचा कि आप शादी करी तो अब सामने वाले कहेंगे भाई काम क्या करता छोड़ा। अच्छा, इसलिए मैंने काम करना चालू कर दिया। अभी वर्तमान में आप क्या काम करते हैं? अभी मैं नगर पालिका में भत्ते का है अपना पद। अच्छा। वहाँ अपना काम करता हूँ, चाय पानी पायलों को इधर से उधर। अच्छा। आई सर वेलकम। अच्छा। उनका स्वागत करता हूँ, और इसे मैं साहब नहीं आते तो उनको बताता था साहब अभी आ रहे हैं, ये चीज़ें भी बताता था, समझाता था लोगों को, दिलासा दिला। बड़वानी की नगर पालिका? जी जी, नगर पालिका बड़वानी में है ना जॉब करता हूँ। जॉब करते हैं, बड़े खुश हो जाते होंगे लोग जब आपसे मिलते होंगे कि एक छोटा सा बालक आ रहा है, तो बड़ा आनंदित हो जाते होंगे? हाँ, वो देख के बहुत खुश होते हैं, मेरे को अच्छा लगता है। अब मेरे को देख के खुश होते हो तो मेरी आत्मा भी ऐसा लगता है, सामने वालों को भी लगना चाहिए कि अच्छा लग रहा हूँ। क्या बात है। गेंदालाल जी, एक बात है, जब आप रास्ते में निकलते हैं है ना, जब आप पैदल चलते हैं, क्योंकि आपकी चाल बड़ी अच्छी है, मतलब मैं सच बता रहा हूँ, मतलब मुझे बड़ी अच्छी लगती है, मैं बचपन से आपको देखते आ रहा हूँ, क्योंकि आपकी 40 साल की उम्र में, तो मैं आप चलते बड़ा अच्छा है, और जब आप दिखते ही बड़े अच्छे हैं, जब दूर से कोई आपको व्यक्ति दिखता है तो कि यार गेंदालाल जी आ रहे हैं, मतलब ये कितना अच्छा सा बच्चा आ रहा है ऐसा लगता है। तो कई बार लोगों ने आपके साथ कभी ऐसा इसी घटना हुई आपके साथ कि लोगों ने आपके साथ बैठ करके सेल्फी खिंचा रहे हो या फोटो खिंचा रहे हो, ऐसा भी हुआ? हाँ, ऐसा हुआ, बहुत से लोग जैसे कहीं तोरण माल गए शिवरात्रि के टाइम में। अच्छा। तो लोगों को बहुत अच्छा लगता है, बोलो खिंचाओ सेल्फी करो, हम ऐसे व्यक्ति को बहुत कम मिलते हैं, उनको अच्छा लगता है मिलने से। गेंदालाल जी, जब आप स्कूल में पढ़ते थे तो उस समय आप केवल पढ़ाई में आपका मन वगैरह रहता था कि नहीं, थोड़ा सा बताएं? मन तो बहुत कम रहता था, भाई खेलने में ज़्यादा रहता था, कई चीज़ पे कबड्डी खेलो, खो खो खेलो। अच्छा। कुछ भी अच्छा लगता था। गेम्स अधिकतर खेलते थे, और कभी आपने जैसे आपने बोला कि आप भैरवनाथ वगैरह भी बने हैं माँ संतोषी ग्रवा मंडल में, और भी बहुत सारी जगहों पर आपने काम किया है, इस प्रकार के किरदार आपने निभाए हैं, तो क्या आपको ये बचपन से ऐसा प्रोग्रामों में हिस्सा लेते थे, अचानक से कुछ हुआ बचपन से, कैसा क्या? नहीं, अचानक हुआ, एक भजन दल वालों ने एक कार्यक्रम रखा था, उसमें एक नाटक भी गई उस टाइम में, डांस के पिक्चर में डांस करा था आपका बच्चे के खाई के पान बना, ये मेरा फेवरेट गाना था उस टाइम में, डांस अच्छा करता था ऐसा। और फिर मैं कुश्ती भी लड़ा था जंगल में। हाँ,
बनवानी व्यायाम सारा भजन। अच्छा, मैं भी कुश्ती लड़ते गया तो मैं अपने आप को समझता कि मैं भी खुद पहलवान। अच्छा, मैं भी एक्सरसाइज करता लड़ता था पहलवान। आप पहलवानी करी आप? जी जी पहलवान करी। जीती भी आपने? हाँ जीती भी। क्या बात, सब बार जीते। क्या क्या? बहुत बार जीते सुनील पहलवान, बड़वानी के स्टेशन पे वो रहते हैं, उनसे बहुत बार मेरे पापा ने कुश्ती जीती है और उनको हराया है। अच्छा अच्छा, सुनील पहलवान को हरा दिया? अरे वाह, ये वेरी गुड, क्या बात है। तो सुनील पहलवान जी यदि देख रहे हैं तो आपको ये आपकी याददाश्त यादें आपकी जो है वो ताज़ा हो जाएगी। तो खास करके गेंदालाल जी, बड़ा अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। आप इतने पॉपुलर हैं, काफ़ी समय से पॉपुलर हैं, लोग जानते हैं, पूरी गांव के लोग अच्छे से जानते हैं, कभी आपने ये नहीं सोचा कि मुझे सरपंच का चुनाव लड़ना चाहिए या पार्षद का चुनाव लड़ना चाहिए, ऐसा कुछ? हाँ, लड़ने की बहुत उम्मीद है, बाकी क्या है, सीट नहीं है ना, इसलिए नहीं लड़ पाता मैं ओबीसी में आता हूँ ना इसलिए। अच्छा अच्छा, आपके गाँव में सीट वगैरह का ऐसा? हाँ, इसलिए नहीं, तो मैं लड़ने के लिए चाहे यहाँ से लड़ सकते और जीत भी सकते, इतना दावा है मेरा। अफवाहें लोग आपके बारे में फैला रहे हैं, सब वो बोलता है, मुझे सत्य सही है कि गलत, थोड़ा सा बताइएगा कि आप अपने बच्चे को एक्टर इसलिए बनाना चाहते हैं क्योंकि आप करोड़पति बनना चाहते हैं? नहीं, ऐसा कुछ नहीं, वो क्या है, समाज का नाम बढ़े, हमारा नाम बढ़े। अच्छा। या गाँव का नाम बढ़े, जिले का नाम बढ़े, या मध्य प्रदेश का नाम बढ़े, यही चाहता हूँ मैं। यही आपकी, और आपकी सोच बड़ी बहुत अच्छी है। और अब हम चर्चा करेंगे नन्हे से बालक से भी। बेटा, आहा, बता दिया, हाय कर दीजिए, राम राम बोलो, राम राम, जोर से राम राम। क्या बात है, बहुत अच्छा था, इन्हें भी सॉन्ग भी सुनाया था। तो बेटा, आप पापा ने बोला है कि आप एक्टर वगैरह बनना, आपको एक्टर बनाना है, आप भी एक्टर बनना चाहते हैं? हाँ, एक्टर बनना, एक्टर बनना चाहते हैं। हाँ। उसके लिए आप क्या क्या करते हैं थोड़ा बताइए? डांस करना चाहता हूँ और अच्छा, मतलब कुछ भी, मैं कलाकार बनना चाहता हूँ। जैसे कि आपने बोला कि कक्षा छठी में आप अभी पढ़ते हैं। हाँ। है ना, तो आप अभी कौन सी स्कूल में छठी में पढ़ते हैं, थोड़ा सा ये बताएं पहले। अभी मेरा नवोदय विद्यालय में चयन हुआ है, उसके पहले मैं कौटिल्य अकेडमी तलूर में पढ़ता था। अच्छा अच्छा अच्छा, तो पहले अब पांचवी तक आपने कौटिल्य अकेडमी में रहे और अब आप पढ़ने जा रहे हैं नवोदय, अब वहाँ आपका चयन हो गया, जहाँ पर चयन होता बहुत कम बच्चों का है और सिलेक्टेड बच्चों का होता है, उसके लिए आपको बहुत बहुत बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। आपने कक्षा पांचवी तक की जो पढ़ाई की है उसमें पढ़ाई में आपका मन लगता है? लगता भी था और खेलने में भी लगता। खेलने में को मतलब पढ़ाई में ज़्यादा लगता है कि कम लगता है? पढ़ाई में ज़्यादा लगता है। ज़्यादा लगता है, कितने परसेंट बने आपके पाँचवी में? 84। वाओ, मतलब कि पढ़ाई में भी आपका दिमाग काफ़ी है, बहुत अच्छी बात है बेटा, वेरी गुड, और होना भी चाहिए बिल्कुल। और गेम्स भी खेलते, कौन कौन से गेम्स खेलते हैं आप? कबड्डी, क्रिकेट, हॉकी और हॉकी वगैरह खेली और क्रिकेट। योग वगैरह किया आपने? हाँ किया। योग किया है? ऐसा कितने सिखाया योग? आप नहीं सर। आपने कभी स्कूल में, ये तो गेम्स हो गया, कभी फैंसी ड्रेस होता है और डांस का प्रोग्राम होता है, एनुअल फंक्शन होता है ना, उसमें कभी भाग लिया है? हाँ लिया है बहुत बार, और फर्स्ट डांस में आता था हर बार कौटिल्य अकेडमी में। अच्छा, शुरू से बचपन से? हाँ। क्या बात है, कौन कौन से गाने पर डांस किया आपने अभी तक? लड़की आंख मारे पेरोडी, बहुत सारे सॉन्ग पे किया है, दारू बदनाम करती है और काला चश्मा, आ गया आ गया, मैं दिल चुराने में आ गया, बूम बूम बूम, बहुत सारे गाने। क्या बात है, तो जितने गाने इसने बोले उतने गानों पे मैं अभी आपसे डांस करवाऊंगा, करोगे आप? छोटा छोटा डांस करना आपको, है ना। चलो अभी हम करेंगे, हमारे पास एक गायक भी है जो गाना गा के वो गाना गाएंगे और ये जो बालक है वो उस पर डांस करेगा। क्या आप खुद गाना गा लोगे, डांस करोगे खुद? कैसे छोटा, सिटी बजाए, है ना, एक बार गाना गा दो, सिटी बजाए, सिटी बजाए, दिल धड़काए, ओ लड़की आ आ आ, ओ लड़की ओ लड़का, आंख मारे आंख मारे। कंफ्यूज हो गया, आपकी लड़का आंख मारे कि लड़की मारे? वैसे कौन मारता है, आंख लड़का मारता है कि लड़की मारती? लड़का। ऐसा लड़की नहीं मारती? नहीं। पापा के सामने थोड़ा शर्मा रहा है, लेकिन बाकी टैलेंटेड बालक है ये। मेरे बहुत अच्छी बात कर रहे हैं बेटा आप, है ना, बहुत अच्छा लग रहा है मुझे आपसे बात करके। और मुझे अब ये बताएं कि एक्टर बनने के लिए आपने ये सारी तैयारियां तो कर ली है, जैसे कि आप फैंसी ड्रेस में हिस्सा लेते हैं, डांस भी करते हैं आप, आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है?
सलमान खान। सलमान खान और उनके अलावा जेके टाइगर। हाँ जेके टाइगर 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 श्रॉफ टाइगर श्रॉफ जो है। हाँ और राजा यादव। राजा यादव है ना, राजा यादव भी वो जो मेरे बहुत बड़े फ्रेंड है। अच्छा वो डांस करते हैं वो है ना, राजा निसरपुर वाले हैं। क्या बात है, ये बहुत अच्छी बात है कि राजा यादव भी आपके बहुत अच्छे फैन है। मतलब आप उनके फैन हो है ना, और वो भी आपके फैन है, बता दूं मैं आपको है ना। तो आपने बताया कि जो टाइगर श्रॉफ है उनकी कौन सी फिल्म सबसे अच्छी लगती है आपको? उनकी फिल्म नहीं देखी पर उनको मैंने बहुत बार मतलब देखा है टीवी पे। उसकी फिल्मों का याद नाम नहीं याद है, वो फिल्म है, उसकी एक्टिंग बहुत मेरे को पसंद है। एक्टिंग बहुत पसंद है आपको। और ये हीरोइन की बात करें तो कौन सी हीरोइन आपको पसंद है? कौन सी पिक्चर की हीरोइन, नाम नहीं याद हो तो पिक्चर बता दें। साउथ इंडियन देखते हो ज्यादा पिक्चर है? कौन सी पिक्चर देखते हो? मुझसे शादी करोगे? अच्छा ऐसा, प्रियंका चोपड़ा है उसमें तो है ना, मुझसे शादी करोगे मैं प्रियंका चोपड़ा। आप तो क्या ससुराल चले गए विदेश में, हो के मिलना आप कौन से है? वेल तो ये बहुत अच्छी बात है क्योंकि यदि आपको जो भी बनना होता है उसके लिए आप में वो सारी क्वालिटीज़ आपको डेवलप करना पड़ेगी तभी आप बन पाएंगे। तो इसलिए सारे क्वेश्चन से बालक से पूछे जा रहे हैं क्योंकि जब आपको एक्टर ही बनना है तो एक्टर से रिलेटेड आपको क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं बेटा। सिंगर गाना जो गाते हैं सबसे फेवरेट सिंगर कौन सा है बताएंगे थोड़ा सा? जो गाना गाता है कौन सा गाना है ये बता दीजिए जो फेवरेट आपको सुनने में बड़ा अच्छा लगता है। मस्ती मस्ती। अच्छा ये अपने ये अपने आसपास की जो गाने हैं वो आपको पसंद है? मतलब बॉलीवुड का कोई सा गाना? बॉलीवुड का गाना बॉलीवुड के ज्यादा अब आंख सुर में लगा ले वार की तो खींच 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 के निशान वार की वो ला इंग्लिश गाना। अच्छा अच्छा वेरी गुड वेरी गुड। और आपका सबसे फेवरेट एक्टर कौन है गेंदलाल जी? अमिताभ बच्चन मेरे को अच्छा लगता है। वाह क्या बात है, अमिताभ बच्चन जी बहुत अच्छे कलाकार हैं, बहुत दिग्गज कलाकार है और बहुत दिग्गज एक्टर है। और हीरोइन में यदि मैं बात करूं? हीरोइन में करता हूं तो अपना श्रीदेवी थी। हाँ 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 श्रीदेवी जो अभी नहीं है इस दुनिया। हाँ नहीं रही। नहीं है, क्या बात है। तो श्रीदेवी जी और अमिताभ बच्चन जी आपके फेवरेट हैं एक्टर और एक्ट्रेस में। आपको खाना में सबसे अच्छा क्या पसंद है? मेरे को तो दाल रोटी अच्छी लगती है सर। तो नॉर्मली बाकी एक सबसे बेस्ट है कि अगर वो बन गया तो फिर तो दुनिया का कुछ भी खाना दे दो वो खाऊंगा नहीं, वही चीज़ खाऊंगा ऐसा कुछ ऐसा। मेरे को मेथी की सब्जी अच्छी लगती है, पराठे अच्छी लगती है। फेवरेट खाना ये मेरे को अच्छा लगता है। ये मैंने आपसे क्यों पूछा पता है? क्योंकि जब लोग वीडियो आपका देखेंगे ना तो आपसे प्रभावित होंगे और आपको अपने घर भी बुला सकते हैं वो। और जब आप उनके घर पे जाएंगे तो मैं आपसे बोलना चाहता हूँ कि यदि गेंदालाल जी आपके घर आते हैं तो आपको मेथी के पराठे आपको खिलाना। मेथी के पराठे मेरे ठीक से और मेथी की सब्जी, क्या बात है। चलो बेटा तो आपने फैंसी ड्रेस का भी बताया, आपने डांस का भी बताया, आप और क्या वर्क कर रहे हैं जिसकी वजह से आप आगे जा सकें एक्टिंग के करियर में, और क्या क्या करते हैं आप? मैं गरबा मंडल में भी जाता हूँ, माँ संतोषी गरबा मंडल जो जिसमें मेरे पापा करते हैं, मैं उसमें भैरू रात का किरदार निभाता हूँ। अच्छा और 2 साल से ही मैं अभी डांस करता हूँ वहाँ पे। अच्छा 2 साल से आप कर रहे हैं गरबा डांस भी करते हैं, क्या बात है। और आप यूट्यूब चैनल वगैरह भी ऐसा चला है आपका ऐसा कुछ? हाँ मेरा यूट्यूब चैनल है विश्वराज डांसर, वो पहले था मेरे अंकल के लड़के का जीवन धनगर एंटरटेनमेंट और दूसरा तीसरा है विश्वराज धनगर। अच्छा विश्वराज धनगर ये आपके YouTube चैनल है, और ये YouTube चैनल है तो आप इनको लोगों को बता दीजिए कि आपको वीडियो यदि देखना हो तो। मेरा वीडियो आपको देखना है दोस्तों तो वीडियो मेरे विश्वराज डांसर सर्च की है और जीवन धनगर एंटरटेनमेंट। अच्छा उस पर आप देख सकते हैं। हाँ। क्या बात है, क्या बात है। वेल सो गेंदालाल जी आपको हमारा ये जो स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण चैनल है इसका यह कार्यक्रम कैसा लगा, आपने हमारे साथ इतना समय बिताया उसके लिए सबसे पहले थैंक यू सो मच। आपको कैसा लगा हमारा काम इसके बारे में थोड़ा दर्शकों को बताएं। बहुत बहुत अच्छा लगा है, और धीरेन अपने धीरेन ठाकुर ने और अपने हितेश सैनी ने बहुत अच्छा लगा, और मुझे मिलकर भी बहुत खुशी हुई। बेटा स्वस्थ निर्माण मस्त निर्माण चैनल को सब्सक्राइब करने का बोल दो, और आपको हमारा काम कैसा लगा है ये थोड़ा पूरा अच्छे से सबको बता दो है ना,
और आप क्या चाहते हो कि मतलब किस प्रकार से, और भी जो अच्छा अच्छा से बोलना है आपको वो सब बता दो। स्वस्थ एनिमल मस्त एनिमल को सब्सक्राइब और शेयर करना नहीं भूले दोस्तों, और मेरा हमारा वीडियो अच्छा लगा है तो कमेंट कीजिए कर बताइए दोस्तों, और हम और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूले। क्या बात है, जय हिंद, राम राम बोल दो सभी को, जय हिंद, राम राम, क्या बात है।